बाहर पार लेंगे, ठीक है ठीक। मम्मी आपने इजाजत कैसे दी इसको? एक सदस्यों में बढ़ गया। कैसे ले रहा हूँ? हाँ, किसको? मैंने दिया ही नहीं, मैं तो घर में इतने सारे जानवर हैं, मैं बाहर रख रही हूँ। तो बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं। पापा बच्चा है, गेट से बाहर कैसे पलेगा अभी पापा? अरे पापा यार, लवी जग पेड़ के नीचे रहे। पापा लवी को घर से निकाल दे क्या? उसको रख लेते हैं। मैं नहीं, मेरा घर है, तू क्या कर रही है? तू जा। अबे ओ, रहने दे रहे ना शहर में। हेलो, जो घर का नेम प्लेट है उसमें टॉप पे मेरा नाम है, ये मेरा घर है, तू निकल। क्या हो गया? क्या बोल रहे है? जितना रहना था तू रह चुकी है। ज्यादा हो रहा है बोले। और मैं और मम्मी, यार मैं और मम्मी क्या करेंगे? पूछ ली तू, मुंह पूछ ली तू, और तो कैमरा पकड़ ले इसी। यार मम्मी मैं करूंगी ना प्रॉमिस, मम्मी प्रॉमिस उसका सारा काम करूंगी। मम्मी देखो मैं आजकल सुबह जल्दी घर के अंदर नहीं रखूं। मम्मी मैं सुबह जल्दी उठने लग गई ना, मैं उसको हगाऊंगी भी मुताऊंगी भी। बस यार पापा, यार आप तो घर के बड़े हो ना मुखिया, प्लीज मनाओ ना मम्मी को। कुत्ता तो ये देखते कि मुझे पता है ये धीरे धीरे ये कुत्ता अंदर भी आएगा, धीरे धीरे बिस्तर में भी बैठेगा। नहीं प्रॉमिस, प्रॉमिस बिस्तर में नहीं आएगा। नहीं होती प्रॉमिस, टूटने के लिए होती। अरे बाप, यार आप इतनी सेटी हमेशा टूटते हैं, आप इतनी वादे किए ही तोड़ने के लिए जाते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, कॉम्पिटिटर कैसे हो लवी का? आप लवी को इतना तुच्छ समझ रहे हो? तुझा लवी, मैं तेरे एक्सप्रेशन कैप्चर करना चाहती हूँ। हाँ, भगवान क्या कर रहा है तू? वो सोच रहा है मेरा घर कौन उजाड़ रहा है ऐसे उतल। लवी वो कितनी गहरी नींद में थे। लवी स्वागत करो नए लोहमी सदस्य का, इसका नाम कर रखना है, नामकरण करना है। वो तो ठीक है, उसकी मम्मी ने इजाजत कैसे दे दी? इस बोला नहीं तुम, तो सही, इसकी क्या जरूरत है? अब देखो हमारे पास दो टास्क है, पहला इसका नामकरण करना है। मैंने अपना सजेशन दे दिया कोको लोहमी। मैंने गाइस से पूछा है, गाइस को सजेशन देंगे, मेरे को मना है कोको। एनी सजेशन? सोचूंगा ना अभी। लवी लोहमी कैसा रहेगा? लवी जूनियर, लवी लोहमी जूनियर लवी। अच्छा, सो गाइस देखिए आज कितना प्यारा नाश्ता बना है। ये है काले वाले चने, क्या सही लग रहे हैं ना, पूरी प्याज और मिर्ची, अरे वाह मिर्ची, थोड़ा खीरा, और ये इसकी ज़रूरत थी, बस ये इसी की ज़रूरत थी। और ये अब थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे प्याज, और ये थोड़ा मम्मी ने सूखे निकाले थे। तो चलिए गाइस एक बार छोले ऐसे ही टेस्ट करते हैं, और मुझे इतनी भूख लगी है ना मैं क्या बताऊँ। आप 24 घंटे बाद नमक टेस्ट कर रही मम्मी ने, इसलिए तेरे को सवाल नहीं आएगा जी। अरे बाप जी, बोले मम्मी ये क्या बना दिया है, कदर पता है? अरे बाप रे, तेरे को कल नमक नहीं खाया ना इसलिए लग गया जन्नत। पता है मम्मी, पहले टेस्ट में इसका भपका आया, जो गांव के आग में नहीं बनता है, आग में वैसा यम, बिल्कुल बाजार जैसे यार। ही देखो मम्मी, ये कोको मोको को सीधे जहाँ से लाई वहीं पहुँचा के आना, और इसकी मम्मी ढूंढ रही होगी, जिसने इसको पाला है वो ढूंढ रही होगी। तू चोरी करके ले आई इसको? मैं चोरी करके लाई? वो भटक भटक के रोड में हमारे घर तक आ गया, मर जाएगा। मुझे पर्सनली छोले चने ये दोनों चीज बिना नींबू के नहीं पसंद, इनफैक्ट राजमा भी समटाइम। ठीक है, कैमरा हटा दो, मैं जानवर की तरह खाने वाली हूँ। भुगान हो रही, मैं भुगान जानवर तो है ही, तो जितने जानवर है सारे अंदर ले आई। इसको तो मैं नहीं रखने वाली कल्पना। अगर उसके किस्मत में हमारे घर की रोटी खाना होगा नहीं तो वो खाएगा, तो इसको रखेगी या मेरे को रखेगी पता? आप तो इसको इसको दिया ना। मम्मी भी बोल रही है कुछ दिन बाद देखना, मम्मी कुछ दिन ऐसे मिलेगा। चल हाय गाइस, सो आई एम रेडी, चलिए लेट्स गो। मैं जा रही हूँ अपने सीक्रेट मिशन पे, बहुत जल्दी पता लग जाएगा, बहुत जल्दी पता लग जाएगा क्या है सीक्रेट मिशन। ठीक है, तो मैं होगी तैयार, और आज हमारे घर के नए सदस्य भी आ रखे हैं, कोको लोहमी। कोको, ये कोको कका, ये बाबा इतना नीनू, ये बाबू ने लिटरली गाइस ऐसे सो रहा है कि जैसे जन्मों से नहीं सोया। ए बाबू मैं जा रही हूँ, मम्मा जा रही, बाय कर दो। अरे अले बाबले, अले बाबले अंगलाई, अले अले मेरा कंटेंट। गाइस देखिए मैं घर आ गई, और इससे पहले मैं घर उदास आती थी और सीधे अपने कमरे में चले जाती थी, क्या किसी से बात करनी, लेकिन ये मेरी आंखों का तारा, मेरा राज दुलारा, मेरा कुंटू पारा। ओए ओए ओचो कोको, दूसरा नाम आपको सुन के हंसी आएगी। मैं इसका नाम पता क्या सोच रही हूँ? कॉन्टेंट रखने का, कॉन्टेंट लोहमी। कॉन्टेंट कॉन्टेंट
गुची 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 गुची। ओ बाबा इसकी पूंछ देखो। ओ ओ मम्मा, ओ मम्मा, ओ मम्मा, मम्मा को इतना प्यार। कितनी देर सोया तू? मैंने सुना तू 4 घंटा सोया। ओ बाबरे बाबा, मेरे मतलब अब तू हर चप्पल ऊपर खा देगा ना हमारे। जैस्मिन भी ऐसे चप्पलों के पीछे पड़ी रहती है, तू भी ऐसे पड़े रहे। ये मुझे सबसे बेस्ट पार्ट पता है कुत्तों की क्या लगती है? उनका पूंछ, उनका कॉन्स्टेंटली पूंछ लाना। आई जस्ट लव दैट। आई कांट टेल यू गाइस हाउ मच आई लव एनिमल्स। आई सो ओ बाबा पुचुली अंदर आ गई। जब अंदर आया तो डर रहा था, और इतना छोटा सा है ना, ये भी गोली की तरह ऐसे कुछ कुछ रंग का है, डिस्गाइज हो जा रहा है। कक्का ओ बाबा इतना दूध दू बाबले, इसका पेटू देखो तो। और गाइस ये दूध दही मिक्स है। हाँ दिस इज मिक्स लाइक सॉर्ट ऑफ लस्सी टाइप। आई लव मीट माय सेकंड लव। अच्छा लग रहा है अभी तुझे देख के। तू पता है इसके बारे में सोचते हुए घर आ रहा था ना मिलूंगा? लड़के होते ही साले इनसेंसिटिव हैं, बेदर्दी। गाइस ये कौन सी पोजीशन है श्यामा? मुझे बिल्ली की पोजीशन इतनी अच्छी लगती है ना, जो ऐसे सोते हैं। मैं अब खेलने के लिए जा रही हूँ। अरे मेरी लेस खोल दी है। कोको 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 छोड़ दे, कोको छोड़, मेरे को जाना है। कोको को, अरे यार मम्मी इसको छुड़वाओ तो, मैं तेरी पुट्टी। तूने उधम मचाना शुरू कर दिया इसने शुरू। सो देखिए मैं फिर से आ गई सुंदर से मोहल्ले में बैडमिंटन और पिट्ठू खेलने के लिए। हे भगवान, इस मोहल्ले में एक सुंदर सी जमीन या फिर बना बनाए सुंदर सा डबल मुंडी का घर दिला दे। थोड़ा सा तो घर दिला दे मुझको, तू तो घर दिला दे। कैसे ऐसो को दिया है, कैसे कैसो को दिया है, मुझको भी तू फ्लैट दिला दे, थोड़ी सी जमीन दिला दे। ये वाली दिला दो भगवान जी, मस्त घर बनाऊंगी। हाँ ऑफकोर्स, इतना ऐसे मुझे काबिल बना दोगी, मैं ले पाऊँ, मेरा वही मतलब था। ये देखिए भाभी के बच्चे मुझसे खेलने लगे। ये इधर दरवाजा पकड़ के खड़ा है, मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। रीजन, इनको मैं जबरदस्ती खेलने के लिए लेके जाती हूँ। खोल दे इसको। अरे बाप रे बहुत ताकतवर है, मेरा एक हाथ लग रहा है इसलिए मैं तुझे नहीं खोल पा रही। तेरी मम्मी का ही बता। गाइस सी सो प्रिटी नो, वो देखो सूरज। आहा क्या बढ़िया सनसेट हो रहा है यार, नाइस, सच अ प्रिटी व्यू। हाय बच्चों, हाँ ओके, हाय। तुम लोगों ने व्लॉग देखा? नहीं, तुम सब व्लॉग में आए हो आज, सबके चेहरे ऐसे ऐसे करके लिए है मैंने, यू यू। तुम लोगों ने नहीं देखा? कोई बात नहीं, गुड। कल्पना व्लॉग देखना ना, आज मैंने सबको डाला है व्लॉग में। आइए आज अपार्टमेंट की छत से। अरे अरे बाप रे गाइस, आई स्वेयर, क्योंकि मेरे घर से हल्द्वानी ऑब्वियसली नहीं दिखता है, राइट? इतना हाइट है नहीं, तो मैंने आज तक कभी अपने घर या अपने घर के आसपास किसी जगह पर भी खड़े होके इतनी हाइट से हल्द्वानी नहीं देखा है, आधे साथ हल्द्वानी। एंड आई स्वेयर दिस इज सो प्रिटी, मतलब मैं आधा, नॉट आधा हल्द्वानी बट 1/4 हल्द्वानी देख पा रही हूँ अपने सामने। ओ माई गॉड, वेरी पोमा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं इतना अचंभित क्यों हो रखी हूँ। जस्ट लुक एट दिस व्यू। ये आई थिंक महर्षि और बिरला से आगे महर्षि एंड देवलचौड़ वाला एरिया है। ओह ये नीचे वो गन्ना फैक्ट्री वाला एरिया है, वो रुद्रपुर को जो रोड जाती है, ठीक है। और ये सामने जो पाल कॉलेज वाली तरफ है, ये सामने आप देख रहे हैं पाल कॉलेज वाला एरिया है, और ये सामने सेंट्रल हॉस्पिटल वाला। हाँ आपको पता है, अभी छत छोड़ो, मैं अपनी लाइफ में पहली बार हल्द्वानी टॉप से किसी जगह पर खड़े हुए 1/4 हल्द्वानी ऐसे देख रही हूँ। मेरे घर से दिखता है नहीं आसपास कोई। ओ आपका तो घर दिख रहा है यहाँ से, आप तो उधर खड़े होके दोनों नारियल 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 से धागे से लगा के बातें कर सकते हो आप लोग। गाइस कितना प्रिट, भाभी बहुत सुंदर है यार। अरे बाप रे, मैं हल्द्वानी पहली बार ऐसे देख रही हूँ, बाकी सब तो छोड़ो आप, और यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है भाभी ये पहाड़। गाइस सी बिरला स्कूल और ये देवलचौड़ रामपुर वाला एरिया कितना सुंदर लग रहा है। ओह माय गॉड, माय आईज आर हैप्पी गाइस, माय आईज आर हैप्पी। हवा देखो गाइस कैसी चल रही है, इतनी सुंदर हवा चल रही है ना। और वो जो पहाड़ देख रहे हो आप पवन के घर से मैंने एक बार वीडियो बनाई थी, याद है? तो पहाड़ कितना पास दिख रहे थे, तो मुझे ऐसे ही घर पसंद है। मेरा घर थोड़ा दूर हो गया, पहाड़ दिखते हैं मेरे घर से, जैसे पवन का घर है ना, तो मुझे ऐसे एरिया में घर चाहिए था जहाँ पहाड़ ऐसा लगे कि आप टच करके जा सकते हो।
और ये जिसका भी घर है ना, जिसका भी, आई डोंट नो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल एंटी कैसे पुराने स्टाइल में बना हुआ है और इतने सारे आम के पेड़ों से कवर्ड। ये भाभी घर देखो ना कितना सुंदर है। हो गया भाई। सो गाइज, ये मेरा एक पेपर फोटो स्टेट करवाया था मैंने। अरे बहुत तगड़ा। सो ये कागज फोटो स्टेट करा रहा था मैंने, कागज जो कह रही, सॉरी मेरा पेपर करा दिया। थैंक्स ब्रो, नाइस। फिर से बताओ गाइज, देखो एक सनसनी रुको गाइज, एक सनसनी न्यूज पता लगी है मेरे कोको के बारे में, जो मैं नया डॉग लेकर आई। हाँ मामी बताओ क्या हुआ था। वो रोले में गिरा हुआ था। किसी कोई छोड़ कर गया है? अब पता नहीं कौन छोड़ कर गया या ठीक है, अपने आप ही गिरा रोले के। नहीं अपने आप तो गिरा, पर कहीं से तो आया होगा तो छोटा बच्चा कहाँ से आया। ठीक है, हाँ रोले में गिरा, गिरा था। फिर कोई मतलब बहुत लोग घूमने जा रहे थे, आए, फिर यहाँ से एक सीढ़ी लगाई उसके अंदर, रोले के अंदर, फिर उसको निकाल के बाहर फिर यहाँ पर छोड़ गए थे। बाप रे, बताओ यार। पहले तो जो भी उसको छोड़ कर गया, क्योंकि वो आपको पता है वो ना फिजिक में मतलब दिखने में अच्छा खासा हट्टा खट्टा सुंदर और ठीक ठाक है, तो मतलब वो ऐसे स्ट्रे वाला तो है नहीं, वो किसी के घर का ही लग रहा था मुझे, खाया पिया है, मतलब वो खाया पिया कुत्ता है मतलब। ठीक है, अब जिसने भी उसको ऐसे छोड़ा है, पहले तो बहुत गलत बात है भैया, पाप के भागी हो अगर आपने कुत्ते को ऐसे छोड़ा। पहले तो पालो मत, पाल रहे तो फिर से छोड़ो मत, और छोड़ना भी चाहते तो किसी किसी एडॉप्शन एजेंसी या किसी ऐसे जगह पर रख कर आओ उनको, एनजीओ वाली जगह पर ना। अब उसको ऐसे अच्छा रोड में छोड़ के जा रखे थे मामी, आपने देखा यही कुत्ता था सफेद। हाँ, कब की बात है? वही होगा मेरे ख्याल से। हाँ मैंने आपको दिखा दिया सफेद कलर का। फिर क्या पता तुझे कहाँ मिला? मुझे यही तो मिला, ये आपके घर के पास, नियाल के पास। हाँ तो वो घूमते घूमते गया होगा उधर सिबोस। हाँ हाँ मेरे को यही मिला, ये नियाल के पास मिला, उधर से आ रहा सफेद सफेद। और कब? आज की बात है? अगर तो किसी ने छोड़ा तो गलत बात है, अब पता नहीं भगवान जाने माँ से भटक कर खुद गिर गया तो अलग बात। सी गाइस, ये हमारी, मैं ना जानना चाह रही थी मामी ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, अब मुझे पता लग रहा है कहाँ से। अब मैं चैन से सो पाऊंगी। इतना भूखी लेखा वो जी। हाँ खाओ, मलाई के साथ खाओ रोटा, वही जा वही जा, ये देख लो। आज तेरी कहानी सुन के आई हूँ मैं, रोले से आया ना तू। सो गाइज, कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट्स करके बताइएगा, एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। और आज हमारे घर में एक नया सदस्य आ गया है आफ्टर गोली लोहमी मीट। आई एम वेटिंग फॉर द सजेशंस, बट फॉर नाउ मीट कोको लोहमी, एंड उसके अलावा गौरा श्यामा मोती, सो सब हैं। एंड आई थिंक जैस्मिन गई एंड उसके बदले आए, बिकॉज कुछ तो मिसिंग था, बट नाउ आई एम हैप्पी। ऑल द वे मेल है, वो फीमेल थी, बट स्टिल चलो ठीक है। सो कोको के नाम एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब। आई मीट यू टुमारो, अंटिल देन यू टेक केयर, जो भी आप कर रहे हैं, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहिए, एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय, आई लव यू ऑल, बाय बाय।